हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने चैप्टर 3 का प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन में 2 टॉपिक पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, आज रेस्ट ऑफ द 2 टॉपिक्स हम करेंगे, जो है आपका फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा थर्ड टॉपिक है आज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया था वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करना, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, बकैब। ये क्या है और इसका कैसे यूज है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे पास 2 इक्वेशन है, a1x1 b1y1 + c1 = 0। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास होती है a2x2 b2y2 c2 = 0। ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन से किस तरीके से x इन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमने समझना है। तो देखिए, बकैब का क्या मतलब है, हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से आएगी, x = y = 1। ठीक है, अब शुरू के 2 पेयर यहां लेने हैं, इट मींस b1 और c1 है, तो b और c यानी कि b1 b2 c1 c2, तो आप ऐसे लिख लीजिए b1 b2 c1 c2। ये ऐसे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा b1 c2 - b2 c1। ये बकैब लिखने का मतलब ही याद है, यही रखना है कि पहले वाले में x के नीचे b और c से रिलेटेड वैल्यू आएगी, y के नीचे c और a से रिलेटेड, एंड 1 के नीचे a और b से रिलेटेड। 3-3 पेयर में ये बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से b और c की वैल्यू निकाली, जो है आपकी b1 b2 and c1 c2, जो मैंने b1 b2 c1 c2 यहां लिख लिया, इन दोनों को क्रॉस और बीच में नेगेटिव साइन। अब y की वैल्यू देखिए, c और a, तो वैल्यू लिख लीजिए यहां पर c1 c2 और a1 a2, क्रॉस कर दीजिए c1 a2 - c2 a1। दोनों एक साथ लिखने का मतलब है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब 1 के नीचे कौन से आएंगे, a और b, इट मींस a1 a2 b1 b2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए a1 b2 - a2 b1। ठीक है, अब x के साथ इसको कंपेयर कर लीजिए, यहां पर x / b1 c2 - b2 c1 = 1 / a1 b2 - a2 b1। इस वैल्यू को यहां ले जाइए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, b1 c2 - b2 c1 / ये एज इट इज उतार दो, a1 b2 - a2 b1। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को भी इसके साथ कंपेयर, x को भी इसके साथ कंपेयर, y को भी इसके साथ कंपेयर, तो क्या आ जाएगा, y / ये वैल्यू उतार लीजिए, c1 a2 - c2 a2 = 1 / a1 b2 - a2 b1। ये वाली वैल्यू यहां ले जाइए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा c1 a2 - c2 a2। एक मिनट, कुछ गलत लिखा है, वही मैं सोचू, यहां 1 आना चाहिए क्योंकि सेम नहीं हो सकते। अब a1 b2 - a2 b1, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और इस इक्वेशन से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे हम इस
क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी ये पता चल जाएगा। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है 2x-y-3=0 एंड 4x+y-3=0। अब देखिए आपको पता है a क्या है, a1 2 है, a2 4 है, 2 and 4, b1 -1 क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे माइनस, और यहां भी क्या लगा लेंगे तो ये हो गया आपके पास b2b+1, c1 -3 एंड c2b-3। अब बकैप का फॉर्मूला क्या था, x अपॉन में b और c, यानी कि b और c का कंपेयर हमारा यहां था b1 c2 और b2 c1, राइट, इक्वल टू 1 अपॉन लास्ट का ले लेते हैं a और b, या फिर आप ऐसा कीजिए आपके लिए आसानी होगी आप पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर आपको आसान हो जाएगा। y की वैल्यू में क्या आना था, b और c यूज हो गया, c और a, तो c और a यानी कि c2a1 माइनस c1a2 ये हो गया इक्वल टू 1/ab, इन दोनों का a1b2 माइनस a2b1, राइट। अब जब हमने ये सब लिख लिया तो आपके पास वैल्यू है, आप इजीली मल्टीप्लाई कर लीजिए x डिवाइडेड बाय b1 c2, b1 की वैल्यू है -1, c2 की वैल्यू है -3, हियर यू कैन राइट -1 × -3, हमने इन दोनों की वैल्यू उतार ली, बीच में लगाया माइनस, b2 की वैल्यू 1, c1 की 3, 1 × -3, राइट। पहले इसे सॉल्व ही कर देते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी कि कट गए, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, x/6 यहां का सॉल्व हो गया। अब इक्वल टू y, c2 की वैल्यू -3 मल्टीप्लाइड a1 की वैल्यू 2 माइनस c1 की वैल्यू -3 a2 की वैल्यू 4, इसे सॉल्व करते हैं y 3 × 2 इज -6, माइनस माइनस प्लस 3 4 12, तो क्या आया आपके पास y/6, ठीक है। अब इक्वल टू 1/a1b2, a1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 1, इट मींस 2 × 1, माइनस a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -1, आंसर क्या आएगा, 2 × 1 = 2, माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4, Here is 1/6. यहां से आपको मिला x/6, यहां से y/6, यहां से 1/6. अब मैंने आपको बोला था इस वैल्यू को इससे कंपेयर, इस वैल्यू को इससे कंपेयर, देखिए यहां देख लीजिए x/6 = 1/6, 6 इधर ले जाइए तो x = 6/6, योर आंसर इज 1। अब y/6 को ले लीजिए, y/6 = 1/6, 6 यहां ले जाइए तो y क्या हुआ, 6/6, इट मींस 1, y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1। तो इस क्वेश्चन से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी जो कि आई दोनों की 1। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सब में x और y की वैल्यू सेम आएगी, पर जो हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया इसमें x और y की वैल्यू आई 1। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ वी विल डू ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड। देखिए ग्राफिकल मेथड यानी कि किस तरीके से ग्राफ में पॉइंट्स को सेट किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि हम पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करें और फिर उसे ग्राफ में प्लॉट करें, क्योंकि आपके पास तो इक्वेशंस गिवन होगी उससे पहले आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे और आफ्टर दैट उसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना होगा। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम इक्वेशन से किस तरीके से पॉइंट्स निकालते हैं वो देखेंगे और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमारे पास इक्वेशन वही दो होगी, a1x1 b1y1 c1 = 0 एंड a2x2
प्लस बी टू वाई टू प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब इन दो इक्वेशन से किस तरीके से ग्राफ में प्लॉट करेंगे वो हम देखते हैं। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब इन दो इक्वेशन से हम किस तरीके से ग्राफिकल मेथड में पहले पॉइंट्स निकालेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ कोई कुछ नहीं है तो यहाँ डाला हमने वन। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन से x या y में से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो इन नंबर के पास नंबर ले गए तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ये यही लिख लेते हैं। इसके बाद ही ये बन गई x प्लस वाई इक्वल टू थ्री। इस इक्वेशन को देखिए 3x माइनस 2y, ये जीरो के पास ये नंबर ले गए तो बन गई 4। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन यहां लिखते हैं, इससे y की वैल्यू निकालनी है। y क्या आया 3 माइनस x, ये वाला x हम यहां ले आए। ठीक है, अब नंबर्स ये है हमारा x और y की वैल्यू के पॉइंट्स निकालना, क्योंकि ग्राफिकल मेथड का मतलब है पॉइंट्स को ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट किया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल इक्वेशन बनाई, c को हम जीरो के पास ले गए तो हमारे पास इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू थ्री। फिर हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली, आप ना निकालना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब x में मान लीजिए हमने जीरो रखा तो क्या आएगा, थ्री माइनस जीरो, यहाँ आ गया हमारा थ्री। अब x में हमने 1 रखा तो y आया 2, तो x पे हमने 1 रखा y आया 2। अब मैंने x पे माइनस 1 रख लिया तो हमारे पास आंसर आया 4, यानी कि मिनिमम 3 पॉइंट्स तो आप बनाया ही करिए जिससे कि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। ये तो हमने बना लिए इस इक्वेशन के पॉइंट्स। ठीक है, इसे मैं हटा देती हूँ। अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स, तो उसका ग्राफ बना लीजिए। 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। अब इससे देखिए इक्वेशन बनानी है हमने, तो निकालिए y क्या निकलेगा, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 3x, राइट। अब ये y छोड़ के 3x, ये माइनस 2 ले जाइए यहाँ। अब इस इक्वेशन में वैल्यू डाल के देखेंगे तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैंने ग्राफ बनाना है तो यहां बना लेते हैं, फिर वहीं मैं आपको ग्राफ बना के दिखा दूं। अब देखिए x की प्लेस में हम डालते हैं जीरो, तो ये तो जीरो हो गया और टू से इसे डिवाइड किया माइनस टू। ये कैसे किया वो देखा हूं मैं आपको करके बताती हूँ। फोर माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस टू था, मैंने x की जगह पे जीरो रखा तो यहाँ जीरो रखने से जीरो हो गया, माइनस टू ये आया फोर माइनस टू ये आ गया टू, तो हमने माइनस टू वैल्यू डाल दी। अब हम इसमें रख लेते हैं वन, क्या आएगा तो फोर माइनस थ्री माइनस टू वन बाय टू माइनस का, यानी कि माइनस जीरो पॉइंट फाइव। तो यहाँ पे क्या रखा हमने वन, तो आया माइनस जीरो पॉइंट फाइव। अब देखिए 0.5 सम टाइम इट हैपन कि आपको ऐसा लगेगा मेरे को पॉइंट्स का प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो जिनको इजीली हो जाए वो तो उस तरीके से कर लीजिए और जिनको मुश्किल हो वो यहाँ इस तरीके का नंबर डालिए जो सॉल्व होने पे 2 से डिवाइड होके आपको एक सिंपल सा आंसर दे दे। जैसे यहाँ 2 डालते हैं, 3 2 6, नीचे माइनस 2, माइनस 2 बाय माइनस 2 इज 1। तो देखिए सिंपल है, 2 डालने पे आया मेरा 1, क्यों, क्योंकि मुझे पता था 6 में से 4 2 जाएगा तो हमारा इजी हो जाएगा। अब अगर मैं माइनस 2 डालू प्लस 3 2 जा 6 बाय माइनस 2, ये आया आपका माइनस 5, तो माइनस 2 डालने पे आया माइनस 5। ठीक है, तो आप चाहें तो माइनस की डिजिट भी डाल सकते हैं और प्लस की भी। कुछ नंबर आपके फ्रैक्शन में आ सके उसे डेसिमल में बना लीजिएगा और जो नॉर्मल सीधे सीधे सॉल्व होके आपको वैल्यू दे वो आप वैल्यू एज इट इज लिख लीजिएगा। अब ये तो हमने निकाले पॉइंट्स,
अब इन पॉइंट्स को ग्राफ में किस तरीके से डाला जाए वो देखते हैं। देखिए, आपको ग्राफ बनाना आता ही होगा, वैसे तो एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा ही, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ नॉर्मल कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए। ये आपको पता है, ये एक्स है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एंड वाई एक्सिस, ठीक है। सेंटर में आपके जीरो, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर्स, यहाँ अगेन सारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो भी आप नंबर्स लेंगे, यहाँ मैंने अगर वन के बाद टू लिखा है तो यहाँ भी माइनस वन के बाद माइनस टू है, यहाँ भी वन टू है, यहाँ भी वन टू, हर जगह सेम डिस्टेंस जो है वो लिया है। अगर आप जीरो के बाद टू लेते तो टू के बाद आप फोर लेते, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो गैप्स है वो आपके इक्वल होने चाहिए। जीरो के बाद अगर आप 100 ले रहे हैं तो नेक्स्ट आपको 200 लेना पड़े, तो ये याद रखिए। ये हमारी वैल्यूज छोटी छोटी थी तो हमने डायरेक्ट ऑर्डर में नंबर ले लिए 1 2 3 4। अगर वैल्यू आपकी 1000 2000 में जाए तो आप उस ऑर्डर में इक्वल डिस्टेंस लेके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन में आते हैं। आप देखिए, सबसे पहले जीरो पे थ्री, ये लाइन एक्स है और ये लाइन आपकी वाई है, तो एक्स पे जीरो है तो जीरो तो यही हो गया एक्स पे, और वाई पे थ्री है तो वाई ये है, इस पे थ्री, तो पहला आपका बन गया 0,3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 और 2, एक्स पे है 1, ये एक्स है, इस पे 1, वाई पे 2, यानी कि इन दोनों का मिलकर आया ये 1 और 2, ठीक है। थर्ड है आपका -1 और 4, तो देखिए -1 ये रहा और 4 ये रहा, तो यानी कि -1 और 4, तो ये आपके आ गए तीनों पॉइंट, हमेशा x पहले y बाद में। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप टच कर दीजिए, कुछ इस तरीके से आपकी लाइन ड्रॉ होगी जिसपे हम इक्वेशन लिख देंगे, ये कौन सी लाइन है, x + y = 3, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन से 0 and -2, तो ये आपका x पे 0, ये -2, 0, -2। नेक्स्ट है 1 पे 2, मैं ये अभी बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लीजिए 1 पे 2, ये आपका 1, ये आपका 2, ये सेम हमारा पॉइंट हो गया। -2 पे -5, ये -2 और ये -5, तो ये हो गया -2, -5। अब 1 और -0.5, -0.5 का मतलब है वो 0 और -1 के बीच में है, यानी कि इस बीच में, तो यहाँ 0.5 आप कहीं भी लेके लिख देना, यहाँ नहीं होगा, x पे 1, y पे 0.5, यहाँ। तो पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं, देखिए -2 and -5, ये कैसे जाएगा ग्राफ आपका। सेकेंड की लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए कुछ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये कुछ स्ट्रेट तरीके की आएगी, तो आप एक बार इसे देखना कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन, ठीक है। तो एक्स और वाई हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 और 2 पे। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके इक्वेशंस में से हम पॉइंट्स निकालते हैं और उन पॉइंट्स को हम ग्राफ में शो करते हैं। तो आज हमने दोनों टॉपिक क्लियर किए, पहला आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड। तो आज की वीडियो अब हम यही खत्म करते हैं, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर।